हेलो दोस्तों, तापसी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड का पेपर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, विथ विच स्पोर्ट डू यू एसोसिएट द नेम ऑफ गीत सेट्टी। तो इसमें आपको बताना है कि गीत सेट्टी नाम के किसके नाम पर रखा गया है। तो ये है बिलियर्ड्स के नाम से, ठीक है। तो अगर इसको आप डीप में देखना चाहें तो इसका जो डीप में होगा होता है, भारत के गीत श्रीराम सेट्टी का जन्म 17 अप्रैल 1961 में हुआ था। इंग्लिश बिलियर्ड के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं जिनका 1990 के अधिकांश दशक में इस खेल में प्रभुत्व रहा था। वे स्नूकर के भी उल्लेखनीय शौकीय खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट इज अ मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर्स। इसमें आपको बताना है कि इसमें से सेवन सिस्टर्स के जो मेंबर हो के हैं, तो ऐसे तो इसमें ऑप्शन सही हुई त्रिपुरा। तो चलिए थोड़ा डीप में देखते हैं कि इसमें जो सेवन सिस्टर्स में कौन कौन से कंट्री आ रहे हैं। तो सेवन सिस्टर्स में आते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है। तो ऑप्शन में त्रिपुरा था, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो त्रिपुरा होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमन फोल्डिंग अ बैलेंस इन हर हैंड इज सिंबल फॉर। तो इसको, ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए, तो जस्टिस ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, हु अमाउंट द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। तो इसमें बताना है आपको कि इसमें से कौन सा सार्क का मेंबर नहीं। तो इसमें तो ईरान नहीं है, तो चलिए इसको थोड़ा डीप में देख लेते हैं। तो जो सार्क के मेंबर्स हैं वो हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में ईरान नहीं है, तो ईरान के सार्क का मेंबर नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है, द अथोराइजेशन ऑफ द विदड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। तो ये आता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। चलिए थोड़ा डीप में देखते हैं इसको। तो एज पर आर्टिकल 114 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ओनली आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही मिलता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेपो रेट इज डिसाइडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना रेपो रेट किसके माध्यम से डिसाइड किया जाता था। तो ये होता है RBI के माध्यम से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। चलिए थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं। तो RBI हैज केप्ट दीज क्रूशियल रेट्स अनचेंज्ड सिंस द लास्ट 5 सेशन टू एकोमोडेट द करेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। RBI कीप्स रिवाइजिंग द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट पीरियडिकली अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द इकॉनमी, ठीक है। तो जिसका ऑप्शन सही है वो है RBI, नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, विच इंडियन लीडर डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया गोल वाज स्वराज फ्रीडम। तो ये डिक्लेयर किया तो लोकमान्य तिलक ने, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो बी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीरो आवर इन पार्लियामेंट रिफर्स टू द टाइम। तो जीरो आवर्स क्या होता है, शून्य काल जिसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, टू आस्क अनशेड्यूल्ड क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि अनशेड्यूल क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंटरनेशनल ट्रेड विच व्हेन अ कंट्री एक्सटेंड द मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट टू कंट्री बी, इट मीन्स दैट। तो इसका मतलब यही होता है कि क्या होता है, वहाँ पे सबको इक्वल समानता देनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन सही है बी, बी गेट्स एटलीस्ट एज फेवरेबल ट्रीटमेंट एज एनी अदर कंट्री ए, यानी कि इसको भी उतनी समानता मिलनी चाहिए, उतना ही अधिकार उसका, ठीक है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, विच स्टेचुअरी ऑफिशियल इन इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन लोकसभा डिस्कशन बट कैन नॉट वोट। तो मिनिस्टर्स और अटर्नी जनरल क्या कर सकते हैं, उनको बोलने की आज़ादी होती है लेकिन वो वोट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसकी दूसरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। आपको सीख से सीख इंग्लिश और जो अदर सब्जेक्ट्स के उसके मॉडल पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।